नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। जेएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर सीलबंद बक्सा की भी होगी जांच। 28 जनवरी को हुई झारखंड स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित सामग्री वाला सीलबंद बक्सा कितने बजे खोला गया, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग इसकी समीक्षा कर रहा है। आयोग के अनुसार संबंधित एजेंसी द्वारा सीलबंद परीक्षा सामग्री रांची जिला कोषागार को उपलब्ध कराई गई थी। यहां से 22 एवं 23 जनवरी को परीक्षा सामग्री सभी जिलों के संबंधित दंडाधिकारी को सीलबंद वितरित की गई थी। सीलबंद परीक्षा सामग्री को सभी परीक्षा केंद्र पर केंद्राधीक्षक, दंडाधिकारी तथा परीक्षार्थियों की उपस्थिति में परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट पहले खोलना था। किस केंद्र पर यह सामग्री कितने बजे खुली, इसकी समीक्षा हो रही है। इधर आयोग ने प्रश्न पत्र लीक होने में आयोग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है। आयोग के अनुसार ऑनलाइन आवेदन से लेकर परीक्षा परिणाम जारी करने का कार्य आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा किया जाता है। इस परीक्षा के लिए एजेंसी को जून 2023 में कार्य आदेश जारी किया गया था। किस अभ्यर्थी का कौन सा परीक्षा केंद्र होगा, परीक्षा का प्रश्न पत्र किस विशेषज्ञ द्वारा तैयार कराया जाएगा, प्रश्न और उसके उत्तर कौन से होंगे, किस अभ्यर्थी को कौन सा सेट का प्रश्न पत्र दिया जाएगा, इसकी जानकारी आयोग के पदाधिकारी एवं कर्मचारी की नहीं होती है। हेमंत सोरेन की याचिका पर 5 फरवरी को सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले प्रदेश के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर 5 फरवरी को सुनवाई निर्धारित की है। वहीं रांची की एक विशेष अदालत ने शनिवार को हेमंत सोरेन को 5 फरवरी को राज्य विधानसभा में विश्वास मत में भाग लेने की अनुमति भी दे दी है। बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बुधवार को गिरफ्तार किए गए हेमंत सोरेन ने विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में हेमंत ने चंपाई सोरेन के नेतृत्व वाली नई सरकार के विश्वास मत में भाग लेने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने शुक्रवार को सोरेन को 5 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। सोरेन ने कोर्ट के समक्ष दलील दी कि वह विधानसभा के सदस्य हैं और उन्हें विशेष सत्र में भाग लेने का अधिकार है। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता हेमंत सोरेन अर्जी दायर कर इस अदालत से एक आदेश का अनुरोध कर रहा है ताकि उन्हें झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में भाग लेने और 5 फरवरी को पूर्वाह्न 11 बजे होने वाले विश्वास मत की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दी जा सके। पलामू में 62,909 परीक्षार्थी 6 फरवरी से देंगे मैट्रिक इंटर की परीक्षा। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 6 फरवरी से प्रारंभ हो रहे हैं। परीक्षाओं को कदाचार व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य शनिवार को उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में समन्वय में बैठक हुई। उपायुक्त ने परीक्षा के लिए जिले में बनाए गए 108 परीक्षा केंद्र की जानकारी ली। प्रभारी शिक्षा पदाधिकारी सह जिला शिक्षा अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया है कि जिले में मैट्रिक की परीक्षा के लिए 71 एवं इंटर की परीक्षा के लिए 37 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन परीक्षा केंद्रों पर 62,909 परीक्षार्थी शामिल होंगे। मैट्रिक के 33,153 एवं इंटर के 29,756 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। मैट्रिक की परीक्षा प्रथम पाली तो इंटर की परीक्षा द्वितीय पाली में होगी। केंद्र सरकार की कोशिश, किसानों को आत्मनिर्भर बनाना, अर्जुन मुंडा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि केंद्र सरकार की कोशिश है कि हर राज्य खेती में आत्मनिर्भर बने और किसानों की आय बढ़े। किसानों को गर्व से कहने का मौका मिले कि हम किसी के मोहताज नहीं हैं, बल्कि हम मजबूत और हमारे माध्यम से देश सशक्त हो रहा है। केंद्रीय मंत्री शनिवार को तोरपा प्रखंड के दियांकेल स्थित कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में आयोजित पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला का शुभारंभ करने के बाद किसानों को संबोधित कर रहे थे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि उच्चतर संस्करण संस्थान के तत्वाधान में आयोजित इस मेले में पूर्वी राज्यों के हजारों किसान शामिल हो रहे हैं। देवघर में राहुल गांधी के सामने जय श्री राम और मोदी मोदी के लगे नारे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड में प्रवेश कर चुकी है। राहुल गांधी शनिवार को देवघर पहुंचे। उन्होंने बाबा बैद्यनाथ धाम में जाकर पूजा अर्चना की और रुद्राभिषेक भी किया। हालांकि मंदिर परिसर से निकलते वक्त उस समय हंगामा हो गया जब कुछ लोग उनके सामने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। बता दें, मणिपुर से मुंबई की यात्रा पर निकले राहुल गांधी 21वें दिन झारखंड पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल के रास्ते झारखंड में दाखिल होने के बाद राज्य के नए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने यात्रा का स्वागत किया। झारखंड में यात्रा 8 दिन में 13 जिलों से गुजरे आगे बढ़ेगी।
राहुल गांधी ने देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। गुलाबी रंग की धोती और माथे पर त्रिपुंड लगाए कांग्रेस नेता शिव भक्ति में लीन दिखे। सुप्रीम कोर्ट हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम कहां जाएंगे, कपिल सिब्बल। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने झारखंड मुद्दे पर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा जब एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट को हमें बताना चाहिए कि हम किन मामलों को लेकर आ सकते हैं और किन मामलों को नहीं। कपिल सिब्बल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, यह सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष का मुख्यमंत्री रहे, अब वे ऐसा ही अरविंद केजरीवाल के साथ कर रहे हैं। उनकी मंशा है कि डबल इंजन की सरकार रहे और विपक्ष की सरकार ही न रहे। हेमंत सोरेन के खिलाफ अब 10 और मामले दर्ज कर लिए गए हैं। इसका मतलब है कि वे जेल से बाहर ही नहीं आएंगे और आपको 2024 के चुनाव में फायदा मिलेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम कहां जाएंगे, कपिल सिब्बल ही कोर्ट में हेमंत सोरेन का पक्ष रख रहे हैं। फ्लोर टेस्ट में हिस्सा ले पाएंगे हेमंत सोरेन। रांची की एक विशेष अदालत ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में भाग लेने की अनुमति दी है। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि ईडी ने याचिका पर जोरदार आपत्ति जताई क्योंकि वास्तविक इरादा सरकार को गिराना था। अब मामला सुलझ गया है। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने का उद्देश्य एक विधायक को फ्लोर टेस्ट वोटिंग में भाग लेने की अनुमति न देकर सरकार को गिराना था। यह पूरी कवायद दुर्भाग्यपूर्ण है जो शुरू से ही हमारा रुख रहा है। फ्लोर टेस्ट 5 फरवरी को सुबह 11 बजे से शुरू होगा और जब तक वोटिंग जारी रहेगी तब तक हेमंत सोरेन इस प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। ईडी अब पूर्व सीनियर अफसर को रिमांड पर लेकर करेगी जांच। जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद बड़गाई अंचल के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के सामने ही पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ की तैयारी है। हेमंत सोरेन को रांची के सदर थाने में 1 जून 2023 को दर्ज कांड संख्या 272/23 में बुधवार की रात गिरफ्तार किया गया था। उन पर बरियातू की 8.5 एकड़ जमीन को अवैध तरीके से हड़पने का आरोप है। बता दें, इस केस में भी ईडी ने भानु प्रताप प्रसाद को गिरफ्तार किया और उसे रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया है। रिमांड आवेदन पर सोमवार को सुनवाई होगी जिसके बाद भानु प्रताप प्रसाद को रिमांड पर लेकर ईडी हेमंत सोरेन के सामने बैठाएगी और पूछताछ करेगी। झारखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 346 पुलिस निरीक्षक का तबादला। झारखंड के 346 पुलिस निरीक्षकों का अंतर जिला तबादला हो गया है। पुलिस मुख्यालय ने 1 फरवरी को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। सभी पुलिस निरीक्षकों को यह आदेश दिया गया है कि वे तत्काल अपने नए जिले से संबंधित एसएसपी एसपी के कार्यालय में योगदान दें। पुलिस मुख्यालय ने सभी एसपी को भी तबादला आदेश का अनुपालन कराने के लिए कहा गया है। यह तबादला भारत निर्वाचन आयोग के आदेश में आलोक में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किया गया। आयोग का निर्देश था कि निष्पक्ष चुनाव के लिए 3 साल या इससे अधिक समय से एक स्थान पर कार्यरत सभी पदाधिकारी का तबादला करे। लाल कृष्ण आडवाणी का झारखंड से गहरा नाता। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा किए जाने के बाद भाजपा नेताओं में खुशी है। खासकर दुमका के भाजपा नेताओं ने दुमका के लिए भी गर्व का विषय बताया है। दरअसल लाल कृष्ण आडवाणी की कई यादें दुमका से जुड़ी है। इसमें अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से रथ यात्रा के दौरान बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लाल प्रसाद यादव के आदेश पर समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करने के बाद दुमका के मसानजोर में लाकर नजरबंद किए जाने की घटना सबकी जहद में बसी है। वह तारीख 23 अक्टूबर 1990 थी। उनके साथ भाजपा के तबके के महामंत्री प्रमोद महाजन को भी गिरफ्तार हुए थे। इसके बाद दोनों को हेलीकॉप्टर से दुमका के मसानजोर डैम स्थित सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन में नजरबंद कर रखा गया था। गुमला में बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल। गुमला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने सड़क सुरक्षा को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है। उपायुक्त ने बिना हेलमेट पहने व्यक्ति को पेट्रोल नहीं दिए जाने का निर्देश जारी किया है। शनिवार को उपायुक्त अपने कार्यालय कक्ष में सड़क सुरक्षा व अन्य विभागों की समीक्षा कर रहे थे। उपायुक्त ने अधिकारी को सभी पेट्रोल पंप के लिए शनिवार से ही आदेश जारी करने का निर्देश दिया कि जिले के किसी भी पेट्रोल पंप में बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिए जाएंगे। यदि किसी पेट्रोल पंप के द्वारा बिना हेलमेट के बाइक चालकों को पेट्रोल दिया जाएगा तो उस पेट्रोल पंप पर कार्रवाई एवं पेनाल्टी लगाई जाएगी। इससे संबंधित गठित समिति द्वारा औचक निरीक्षण भी किया जाएगा।
जंगल में लकड़ी चुनने गई महिला से दरिंदगी। झारखंड के कोडरमा जिले में जंगल में लकड़ी चुनने गई एक महिला से गांव के युवक ने टांगी का भय दिखाकर दुष्कर्म किया। पीड़ित महिला ने बताया है कि जंगल में अकेला देखकर आरोपी ने उसे पेड़ से बांध दिया और दुष्कर्म किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी पंचम तिग्गा ने बताया है कि पूरे मामले की जाँच चल रही है। बता दें, कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र अंतर्गत मसनोडीह पंचायत क्षेत्र में एक बिरहोर महिला के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। रांची में 4 फरवरी को आदिवासी एकता महारैली। पूर्व मंत्री व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि झारखंड में आदिवासियों के मुद्दे की अनदेखी करना तो सत्ता चल सकती है, नहीं सरकार और नहीं राजनीति। इसके साथ साथ उन्हें बांटने वाले किसी भी राजनीति दल और संगठन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बंधु तिर्की ने कहा है कि सरना कोड, पांचवी अनुसूची आदि के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में आदिवासियों की उपयोजना राशि में कटौती किया जाना आदिवासियों के हित के साथ खिलवाड़ है और इससे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में 4 फरवरी को आयोजित आदिवासी एकता महारैली की तैयारी को वे शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन रविवार को धनबाद में। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन रविवार को धनबाद आएंगे। वह गोल्फ ग्राउंड में होने वाले झामो के स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे। समारोह में दिसोम गुरु शिबू सोरेन, विनोद पांडे, फागू बेसरा, गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। चंपई सोरेन बरवा अड्डा हवाई अड्डा से मेमको मोड़ सिटी सेंटर होते हुए गोल्फ ग्राउंड पहुंचेंगे। इस दौरान इस रूट पर सामान्य यातायात पर पाबंदी लगाई गई है। मुख्यमंत्री की वापसी के बाद सामान्य यातायात बहाल कर दिए जाएंगे। लोकसभा में गूंजा जेएसएससी प्रश्न पत्र लीक मामला। सांसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में झारखंड के जेएसएससी प्रश्न पत्र लीक का मामला गूंजा। भाजपा सांसद संजय सेठ ने यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को लाखों नौकरियां दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ झारखंड में परीक्षा का प्रश्न पत्र ही लीक हो जा रहा है। संजय सेठ ने कहा है कि राज्य के युवा रात भर ट्रेन और बस में सफर करके अपनी परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे थे। परीक्षा हुई तब उन्हें पता चला कि इस परीक्षा का प्रश्न पत्र एक रात पहले ही लीक हो चुका है। उन्होंने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है। राज्य का हर युवा खुद को ठगा महसूस कर रहा है। हर साल 5 लाख नौकरी देने का वादा करने वाली सरकार ने युवाओं के सपने रौंदे हैं। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया लेकिन किसी भी युवा को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। धन्यवाद।